पूरे देश भर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति की पर्व मनाई जाती है। हर राज्यों में अलग अलग नामों से यह पर्व त्यौहार मनाया जाता है, लोहरी के नाम से भी जानते हैं। और मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई जाती है। दही चूड़ा और तिलकुट की जो है बाज़ार आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से लग चुका है। तिलकुट के लिए पूरे राजधानी रांची में बाज़ार सज चुका है। कई सारे तिलकुट यहाँ से बाहर भी भेजे जाते हैं। क्या भैया बाहर भी भेजते हैं यहाँ से तिलकुट? बड़ा बताइए जरा कहाँ कहाँ भेजते हैं तिलकुट आप लोग? जैसे कि मान लीजिए आपको रांची का लोकल हो गया, हाँ। खुट्टी, लोधमा, कर्रा, बुंडू, तमाड़ सारे एरिया में भेजा जाता है तिलकुट को। कुलवरी, गुमला, लोहरदग्गा यहाँ से सारा माल सप्लाई होता है, जो कि उस एरिया में नहीं बनता। यहाँ से झारखंड मतलब कि राजधानी से सप्लाई किया जाता है आउट एरिया में, ग्रामीण इलाका में। कितना भेजते हैं पर दिन? पर दिन है जिस तरह का डिमांड होगा, जिस तरह का हाँ। तो दूर वाला ज़्यादा डिमांड है, चीनी वाला तो ज़्यादातर तो गुड़ ही बिकता है टाउन में। रेट है खुदरा में 240 रुपये हम लोग बेच रहे हैं, होलसेल में 160-170। कैसा बाजार है कोरोना को लेकर? कोरोना के लेकर पहले तो ठीक था, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से बाज़ार थोड़ा सा धीमा पकड़ गया है। क्या लगता है कि बाज़ार पकड़ेगा कोरोना? ऊपर वाला मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। ऑर्डर आप लोग कैसे बना रहे हैं, क्या देखते हैं? बर्बादी नहीं हो कम? हाँ थोड़ा सा तो कम किए हैं, कम बना रहे हैं। इस बार बना रहे हैं, इस बार तो मैं अभी गुड़ का तिलकुट का चाशनी बना रहा हूँ महेश तिलकुट भंडार में। और हम लोग सभी कारीगर सुरक्षित मास्क पहनकर ही काम करते हैं, ताकि आने वाले कस्टमर को किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। अभी मेरा चाशनी तैयार होने वाला है, इसलिए मैं कुछ मिनट आपसे समय लेना चाहता हूँ। कितना देर इसको भूजना पड़ता है? 10 मिनट। फिर क्या करते हैं? फिर डालते हैं चाशनी, जब तैयार वहाँ हो जाता है तैयारी, तो फिर लेके जाते हैं तिल को, हाँ। गरम करके कितना भूजते हैं एक बार में? देखिए बड़ा वाला कढ़ाई है, हाँ। यहाँ पे, हाँ। ये वाला भूज के उसमें डालेंगे, हाँ। तब जो है से कि चाशनी उस पर डलाएगा तो मिलेगा, तो फिर तिलकुट तैयारी होता है। मतलब शुरुआत कहाँ से होता है? यहीं से भूजने से? यहाँ से तैयारी होता है, शुरुआती यहीं से पहले तैयार होता है। क्या होता है पहले? पहले चाशनी की जाती है, हाँ। उसके बाद यहाँ पे तिल को गर्म किया जाता है, फिर चाशनी को नीचे उतार कर यहाँ पे फेरा किया जाता है, उसके बाद ये जब गर्म हो जाती है यहाँ पे बड़ा वाला जो कढ़ाई है इसको चढ़ाया जाता है, इसको हीट किया जाता है, उसके बाद कढ़ाई को यहाँ नीचे रख के वो चाशनी को जो पेरते हैं माला उसको इसमें डाल के मिक्स किया जाता है, उसके बाद उसको लोहिया के रूप में दिया जाता है कारीगरों को, और वो तिलकुट के रूप में तैयार करते हैं। कितने लोग मिलकर करते हैं? सात लोग हम लोग हैं, और एक तिलकुट सजाने वाले अलग हैं, 7-8 लोग हम लोग कारीगर हैं यहाँ पे, और बाकी सब दुकानदार मालिक सब। क्या रेट है इस बार तिलकुट का? 240 का रेट किलो। फिर कितना पीस रहता है? वो आधा किलो में 10 पीस बतलाइए। 240 रुपये किलो है गुड़ और चीनी का, और खजूर का 260 रुपये है खजूर तिलकुट। कैसा है बाजार अभी तक का? बाजार तो पहले ठीक था, लेकिन थोड़ा सा इधर गड़बड़ा गया है जब से, हाँ, जो कोरोना जो बढ़ रही है इससे थोड़ा सा गड़बड़ा गया, अभी लोग निकल नहीं रहे हैं बाहर में ज़्यादा। क्या कहिएगा भैया कैसा रहेगा इस बार का बाजार तिलकुट को लेकर? बाजार कोई खास नहीं रहेगा, बस वही पहले जैसा बिक्री जो था अभी नहीं है कोरोना काल में। पहले जितना होता था उतना कम हो गया? बहुत कम हो गया, कम ना हो गया? नुकसान हो रहा है आप लोगों को बहुत, नुकसान हो रहा है बहुत, हाँ। तो देखिए कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पर दुकानों में लगी हुई है तिलकुट को लेकर, और माल को तैयार किया जा रहा है। पहले भूंज के सारा प्रोसेस भी हमने बताया कि किस तरीके से पहले भूंजा जाता है, फिर उसको चाशनी बनाकर तैयार करके जो है वहाँ पर सूखने दिया जाता है। सूखने के बाद जो है सारा प्रोसेस लगभग 6 से 7 आदमी मिल के पूरे इस कार्य को करते हैं, और फिर यह जो है आप तिलकुट जो घरों में देखते हैं वो कहीं ना कहीं क्या है ये भैया? क्या ये गुड़ का चाशनी है? मिस्त्री जी से बात कर लेते हैं। क्या मिस्त्री जी क्या होगा फिर इसके बाद? इसके बाद यहाँ थोड़ा सूखेगा, उसके बाद यहाँ पर चढ़ेगा ये पट्टी, हाँ। चाशनी, हाँ। इसको हम लोग सफाई करेंगे, हाँ। सफाई करने के बाद ये बिल्कुल सोने का कलर बन जाएगा, यानी कि गुड़ का कलर बन जाएगा। उसके बाद ये गर्म कर रहा है तिल, इसमें हम ये दोनों को मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर इसको छोटा छोटा 50-50 ग्राम का लोहिया काट करके और कूटने वाला को देंगे, तब तिलकुट तैयार होगा।
यानी कि काफ़ी मेहनत है। जी मेहनत बहुत है, देखिए मेरा हाथ पूरा जल गया है, देखिए चाशनी करते करते पूरा हाथ जल चुका है। तो ये फिर कैसे ठीक, इसका दवाई वगैरह? कोई दवाई नहीं, आदत हो गया, घर जाने के बाद ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ये तो साल में एक बार आप लोग? जी जी। फिर बाकी दिन क्या काम करते हैं? बाकी दिन हम लोग घर पर ही राजमिस्त्री काम करते हैं। इस वक्त सीजन है जी, राजमिस्त्री का काम करते हैं। जी तो देखिए राजमिस्त्री का काम करते हैं, कहाँ? रांची में ही? नहीं, कहाँ से? बिहार। बिहार से आए रजौली के लिए? जी। क्या नाम बिहार में कहाँ से आए? बिहार में रजौली, जिला नवादा। देखिए नवादा से आए हैं रांची में तिलकुट बनाने के लिए, राजमिस्त्री का काम करते हैं, और चूंकि मकर संक्रांति का पर्व है उसको लेकर यहाँ पर तिलकुट तैयार की जा रही है, और अन्य दिन जो आप कह सकते हैं साल में 11 महीना राजमिस्त्री का काम करते हैं और एक महीना यहाँ पर तिलकुट के लिए जो है समय देते हैं। हाथ देख दिखाया मिस्त्री जी ने कि किस तरीके से पूरा हाथ जो है लाल और जल चुका है, इस तिलकुट बनाने में काफ़ी मेहनत की बात कही जा रही है। आप भी कितना मेहनत है आपके काम में? बहुत बहुत मेहनत है, हाथ जल जाता है। देखिए काफ़ी मेहनत से जो है इस काम को किया जाता है और तब जाकर तिलकुट तैयार की जाती है। तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व त्यौहार आप बढ़िया से अच्छे से मनाएं, कोरोना को देखते हुए जो है आप कह सकते हैं पूरी तरीके से मार्केट डाउन है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आगे जो है आगे आने आने वाले दिनों में मार्केट की रफ्तार पकड़ेगी और इनका जो लागत है वह कहीं ना कहीं इन्हें वापस मिल पाएगा। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।